Fine. So this is something you know. Quadratic equation is ax square plus bx plus c. It's not an equation actually. This is an expression, quadratic expression. So terminology is introduced. Jo bhi a should not be equal to zero, obviously. Toh bataya ki if it is a quadratic, if it is a second degree polynomial, coefficient of x square should not be equal to zero. B, the coefficient of linear term, c is the absolute term, any constant term. Leading coefficient, ye word pehle bhi aa chuka hai. So remember, leading coefficient means coefficient of the degree term, hai na? X square coefficient, x cube ka jo coefficient hai, usko leading coefficient bolenge. Aage badhte hain. Abhi explain kar raha hai degree ko. If a is zero and b is not zero, then it is a linear polynomial. If a and c both are zero, then odd linear. ये सब तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है. चलो छोड़. Quadratic के बाद cubic क्या होती है? Obviously degree three polynomial. A cubic polynomial will be a degree three polynomial. Again, a should not be equal to zero. ये पता होगा आपको. और ये आ गया हमारा famous quadratic formula. हालांकि derivation class में हो चुका है completing the square से, तो उस पर revision में उसमें time waste करने की ज़रूरत है नहीं. ये फॉर्मूला बस आप ये लोग याद रखो, इसको मिस मत करना, ठीक है. y equals to ax square plus bx plus c, then x equals to, I mean ax square plus bx plus c equal to zero. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होंगी, you can find the roots using this formula, x equals to minus b plus minus root b square minus 4 is equal to 2a. ये तुम्हारे बाकी फॉर्मूले आ गए उसके बाद के, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, और साथ में डिस्क्रिमिनेंट. ये तुमको पता ही है. मुझे बताते हैं ना कहाँ पे तुम्हें कोई डाउट है या फिर कोई बात जो ना समझ में आई हो पहले, वो हम वापस रिपीट कर लें. ये तीनों चीजें हमको पता है ना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है. डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्चुअली बाद में, चलो और ठीक है, रिविजन है तो हम किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं, क्या दिक्कत. अब देखो ये ग्राफ है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का, और ये ग्राफ तुम देख रहे हो, ग्राफ यहाँ बनाया हुआ है. इस ग्राफ is here, parabola है मेरे पास. कोई बताएगा क्यों ये graph x axis को cut नहीं कर रहा है? Why this graph is not intersecting? Roots नहीं है. Sir, discriminant is less than zero. Discriminant is less than zero, so roots are not real. And जैसा हमने पढ़ा है कि parabola will cut x axis at its roots of the quadratic equation. तो alpha comma zero, beta comma zero points of intersection होते अगर alpha beta होता, बट यहाँ पर वो रियल रूट्स है नहीं, सो इट्स नॉट इंटरसेक्टिंग. व्हाई इट इज हेडिंग अपवर्ड्स? बिकॉज़ a इज पॉजिटिव ऑफ x स्क्वायर, a इज पॉजिटिव. एंड यहाँ पर एक देखो, ये इसको हमने इस तरीके से प्लॉट किया है, x की वैल्यूज डालकर और y की वैल्यूज डालकर. इसमें एक टिपिंग पॉइंट आता है यहाँ पर, जहाँ पे अपनी मिनिमा अचीव कर रहा है. इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है ग्राफ में. वर्टेक्स बोलते हैं उस पॉइंट को. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोई बताएगा? माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए. करेक्ट, फॉर्मूला सही तुम्हारा. इसको अप्लाई करो इस क्वेश्चन में, क्या आएंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स? टू जीरो. जीरो कैसा आ गया बेटा? नहीं 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 नहीं, माइनस टू कॉमा टू. माइनस बी बाई टू ए, आई थिंक तुम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हो. ऑब्वियसली प्लस 2 को माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 2. 1 ना यार. अरे भाई माइनस 1 एंड कॉमा माइनस 2. अगर ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4, तो माइनस बी बाई टू ए क्या हुआ? माइनस टू बाई टू, माइनस वन हो गया ना. तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सबसे फॉर्मूला तो है हमारे पास माइनस डी बाई फोर है, बट तुम माइनस वन यहाँ पे डाल दो, अपने आप जो वाई मिलेगा वही तुम्हारा आंसर हो गया. तो माइनस वन डालने में क्या मिलेगा? प्लस वन. सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? माइनस वन माइनस वन कॉमा प्लस.
तो ये वर्टेक्स ध्यान रखना भैया, वर्टेक्स जो है इम्पोर्टेंट है, वर्टेक्स के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। वर्टेक्स तुम्हारे काम में आएगा तो पता ही है, आप तो पढ़ चुके हो, वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। देखो लिखा हुआ है वाई इज मिनिमम, सो इन जनरल ए इज पॉजिटिव हेडिंग अपवर्ड, डी लेस देन जीरो, इट इज नॉट टचिंग और कटिंग एक्स एक्सिस, नो रियल रूट, इनको पता है। ग्राफ के बारे में कोई नई बात तो उसमें लिखी नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारे एग्जांपल्स गो थ्रू करने की हमें फिलहाल भी कोई जरूरत नहीं है। देखो एक और एग्जांपल जहां पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो ये हेडिंग डाउनवर्ड पैराबोला है और तुम देख सकते हो कि इस बार ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है। कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? ये वन और टू पर। क्यों वन और टू पर? बिकॉज तुम देख सकते हो वन और टू इसकी रूट्स है ना। देखो फैक्टराइज किया हमने माइनस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो किया, तो एक्स इक्वल टू वन आएगा, एक्स इक्वल टू आएगा। So one and two are the roots of this quadratic, and that's why this parabola cuts x-axis at one and two. What about y-intercept? ये parabola y-axis को कहाँ पे cut कर रहा है? Minus two. So minus two देखो यहाँ पे constant term है ना? तो constant term जो होती है वो reflect करती है। Sir, vertex का y-coordinate का proof कैसे करेंगे? कैसे वही है point मतलब minus two by four है। बेटा उसमें x कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दो ना, जो इक्वेशन है हमारी y equals to ax square plus bx plus c, ये देखो y equals to ax square plus bx plus c है और हमको पता है कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस बी वाई टू है। तो x जब माइनस बी वाई टू है तो y निकालने के लिए क्या करोगे? y निकालने के लिए यहाँ पर माइनस बी वाई टू है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b into minus b by 2a plus c, और इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा? This will become b square by 4a minus b square by 2a plus c, take LCM, आ गया minus b square plus 4ac यानी minus d by 4a। तो ये है तरीका, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो प्रूफ है इसका वही यूज करो उसको, तो तुम्हें minus d by 4a अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सो ये हमारे ग्राफ हैं, ग्राफ चल रहे हैं। ग्राफ तो जो है बाद में आए थे वैसे भी, लेकिन ग्राफ में कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है। अभी और क्वेश्चंस आगे होंगे तो हम देखते हैं उसको। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हालांकि थियरी से वो क्लियर रहती है, तो बताओ भाई, बताओ क्या लिखा ही हुआ है? डी ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल्स टू जीरो में रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। डी इक्वल्स टू जीरो में कुछ और भी होता है, कोई बताएगा? डी इक्वल्स टू जीरो में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है सर, वो कॉमन रूट्स जिसके लिए होता है उसमें यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा रूट्स वो तो लिखा ही हुआ है, रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट इक्वल, वो तो लिखा ही हुआ है ना। ग्राफ टच करता है सर एक्स कोऑर्डिनेट को बस। सही बात है, x एक्सिस को टच करता है और सर वो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है, इनफिनिट होता है, इनफिनिट रूट्स। ये बात ध्यान रखो, वर्टेक्स टचस द x एक्सिस, जब x कोऑर्डिनेट जब रूट्स इक्वल होती है तो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर होती है, ये पॉइंट याद रखो, क्योंकि x - अल्फा * x - अल्फा हो जाता है और d लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होती है, तो वो बताइए, ठीक है। इस पर हम अभी देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कंसीडर द क्वाड्रेटिक वेयर ए बी सी आर रैशनल एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मींस द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ए नॉट इक्वल टू जीरो तो होना ही चाहिए, एंड डी इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल। तो रैशनल रूट्स की जो कंडीशन है उसको ध्यान रखो, ये बड़े काम की चीज है। लोग जनरली क्या याद रखते हैं कि d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कितने याद कर लेते हैं, d परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, बट विद दैट ऑल द कोएफिशिएंट्स मस्ट बी रैशनल आल्सो, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट्स खुद रैशनल नहीं हुए तो d स्क्वायर है यानी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर रूट इरैशनल हो जाएगी। सो मेक श्योर ऑल कोएफिशिएंट्स आर रैशनल एंड डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रैशनल। कोई डिस्कशन या कोई अगर कोई बात ना समझ में आई हो पहले जो भी तुम डिस्कस करनी हो, ऐसे कुछ है इस पॉइंट में या समझ में आता है? समझ में आ गया होगा, तो इजी पॉइंट। हाँ सर,
सर इंटीग्रल रूट्स में a को 1 क्यों लेते हैं सर, वो डाउट है। इंटीग्रल में ए को वन क्यों लेते हैं? हाँ भाई कौन एक्सप्लेन कर रहा है? रुको हम उस पे आते हैं, निकल से आगे उस पे आ जाएंगे। पहले ये पॉइंट देख लो, इफ ए इफ अल्फा इज पी प्लस रूट क्यू, वन रूट इन दिस केस वेयर पी इज रैशनल एंड क्यू इज रूट क्यू इज सर्ड, देन अदर रूट विल बी पी माइनस रूट क्यू। इन व्हाट केस? व्हेन कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। देखो ये इसने क्या दिया है, फर्स्ट लाइन जो लिखी है वो ट्रू है इन बोथ केसेस, कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। अब अगर d परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स रैशनल होंगे, और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, इरैशनल कॉन्जुगेट पेयर, यानी p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू। बट वंस अगेन कंडीशन इज दैट ऑल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी रैशनल, कोएफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए तभी ये चीज सही होगी, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। और यही चीज इमेजिनरी रूट्स में होती है। इमेजिनरी रूट्स में क्या होता है भाई, पी प्लस आई अगर एक रूट है तो p माइनस आई क्यू दूसरी रूट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? अगेन देयर इज अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन सेज दैट ऑल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी रियल। जब रियल कोएफिशिएंट्स होंगे तभी ये चीज ट्रू होगी। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट पेयर, बट दिस टाइम इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है और ये इरैशनल कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये तुम्हारा पॉइंट भी आया नहीं, देखते हैं अभी आएगा इंटीजर रूट्स वाला। फिलहाल इस क्वेश्चन देखो, आई टी जे 1979, ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव देन बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बताओ भी, सोच के आराम से बताओ, तब तक देखते हैं कौन बाहर है। If a, b, c all are positive, then both the roots of this equation are. What do you think is always correct? Do you think first option is always correct? Are real and negative? क्यों भाई? Sir, option B होना चाहिए. Sir, C. B, B, B. Negative real parts. देखो real होगा ये तो हम नहीं कह सकते ना, because जो discriminant है b square minus 4 इसी वो negative हो सकता है। और मेरे पास बहुत सारे examples, x square plus x plus 1 roots imaginary है, x square plus 3x plus 2 roots real है, तो real और imaginary पे तो हम comment नहीं कर सकते। अब बात है second option की, have negative real part, या फिर third option की, have positive real part। तो जो हमारा quadratic formula है, quadratic formula क्या है, x equals to minus b plus minus root over d by 2a। तो अगर हम इसमें मान लें एक बार को कि चलो roots imaginary आ रही हैं, तो roots imaginary इसकी वजह से होती है क्योंकि d नेगेटिव रहा होगा। तो ये बात कंफर्म्ड है कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट आने वाला है जिसको हम रियल पार्ट बोलते हैं वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज यहाँ देखो माइनस साइन लगा हुआ है, b पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये पार्ट नेगेटिव होने वाला है। सो दिस रूट मस्ट हैव अ नेगेटिव रियल पार्ट। सही बात है, ये तो चलो इजी क्वेश्चन था। Both the roots of this equation are positive, negative, real, none of these. ये क्वेश्चन भी क्लास में किया हुआ है। हाँ सर, कुछ साइक्लिक कोएफिशिएंट्स वाला। साइक्लिक कोएफिशिएंट्स तो चलो वो तो सब्स्टिट्यूट करके आता है। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को दो बार सॉल्व किया, एक तो हमने नेचर रूट्स में सॉल्व किया था, फिर हमने इसको सॉल्व किया था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में। कुछ याद आ रहा है किसी को? नहीं। यहाँ पर तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, है ना, तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि रूट्स आर रियल और नॉट। अब देखो बड़ी लॉजिकल से बात है कि अगर ए ऑप्शन सही होता है तो सी अपने आप सही हो जाएगा, अगर बी ऑप्शन सही होता है तो सी अपने आप सही हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव होना एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है भाई आज तो लोग, कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं सर। ओके, सो यहाँ पर तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले आते थे, और अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुम्हें कुछ, ये सिंगल मान लो, ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल चॉइस। क्या तुम ए मार्क करोगे? मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन ए नहीं मार्क करोगे, क्योंकि तुम अगर ए मार्क करते हो तो सी अपने आप सही है ना यार।
कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो रियल है, नेगेटिव है तो रियल है, तो ए और बी तो हो ही सकते। अब बचता क्या है, सी या डी, या तो ये रूट्स रियल है या फिर ये रूट्स रियल नहीं है, है ना। तो फिर सी और डी में से कोई एक सही हो सकता है। तो 25% पॉसिबिलिटी से तुम 50% पहुंच सको, तुक्का अगर लगा रहे हो तो। और फिलहाल इसकी रूट्स रियल हैं, और वो रियल कैसे हैं, तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चेक करना। ये मॉड वाला क्वेश्चन है, मॉड हम बाद में देखते हैं, ये कैलकुलस प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो। हाँ, आई टी जे 1992, देखो इस क्वेश्चन को। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी, बताओ भी कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। If alpha beta are the roots of this quadratic, x minus a x minus b equals to c. Sir, then c find ka value substitute कर दें क्या? C का value यहाँ पर, तो भाई ये जो x है और वो जो x है वो same नहीं है, वो x की roots मतलब समझ रहे हो, x की value वहाँ पे different है और यहाँ पे x की value different है। ये काम तुम तब कर सकते हो जब common roots हो। हाँ, transformation a plus c b plus c indeed. कैसे a plus c b plus c, बस एक, नहीं सर एक मिनट वापस करने दो। क्या बस क्या, नहीं नहीं वापस करने दो। तूने किया कैसे होगा ना, वही तो पूछ रहा हूँ, किया कैसे सर, हो सकता है नहीं तो a plus c b, मतलब मैंने ऐसा किया x minus a is equal to c, so x is equal x minus a equal to c, so कहाँ दिया होगा, नहीं सर वो x minus a into x minus b is equal to c दिया है ना, तो दोनों को c से इक्वेट कर दिया, दोनों टर्म्स को x - a is equal to c और x - b is equal to c। तुम कौन सी मैथ पढ़ के आ रहे हो बे, दोनों को तुम c रखोगे तो c into c c हो जाएगा, ये कौन सी मैथ है, x - a भी c हो गया x - b भी c हो गया, ये तो वैसे ही गलत है खैर, लेकिन ऊपर से तुम दोनों को c अज्यूम कर रहे हो, मतलब c into c equal to c। सर आंसर ए और बी, आंसर ए और बी है, सही बात है। लेकिन ये क्या कर रहा है, कौन सी मैथ्स लगा रहा है, एलियन मैथ्स, सॉरी सॉरी कुछ भी। और फिर अगर लिखा हो a into b equal to 6, तो मान ले a equal to 6 और b equal to 1, ऐसा अज्यूम कर ले, अरे भाई सॉल्व करना है तो ना, कुछ भी होता है कि मतलब इंडिया है या पाकिस्तान थोड़ी ना है, सॉरी सर सॉरी, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता बस भाई थोड़ी इलॉजिकल चीजें वहां पे होती हैं, इसलिए मैंने कहा। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सॉरी इक्वल्स टू सी या माइनस सी इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है, और बोला गया इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, बहुत तरीके हैं, इसमें सबसे अच्छा तरीका है फैक्टर थ्योरम। क्या होंगे इसके फैक्टर, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, माइनस सी को उधर शिफ्ट कर दो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स, ओके हो गया, अच्छा 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 ओके सर। सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी, तो देखो इसके फैक्टर्स हैं x माइनस बी, तो रूट्स क्या होंगे, a एंड b, a एंड b, ठीक है भाई। कुछ भी बोल, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, देखो अभी, अरे बहुत क्वेश्चन है भाई, इसमें क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे, असाइनमेंट भी है, चलो असाइनमेंट तुम्हें पोस्ट किया जाएगा। फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट रूट्स, तुमको पता ही है इसमें क्या बताऊं मैं, ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन आती है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबने पढ़ा हुआ है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स हुज वन रूट इज टैन 75 डिग्रीज, बताओ भाई कैसे करेंगे उसको, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन 75 डिग्रीज, रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 कुछ भी बोल रहा है, अरे वो साइन 75, टैन 75, हाँ सॉरी सर, हाँ सर 2 प्लस रूट 3 होगा, हाँ
वैकेशन चढ़ गई सबको है, हाई हो रखा सब. टेन 75 टू प्लस रूट थ्री है. अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, रैशनल कोएफिशिएंट्स. रैशनल कोएफिशिएंट्स होने पे क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ए टू प्लस रूट थ्री है तो दूसरी रूट टू माइनस रूट थ्री है. तो क्या होगा फिर, आंसर बताओ क्या होगी. क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, फोर. फोर है. प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट थ्री. क्या, सॉरी मजाक करने मूड में आया क्या, तुम जोक क्रैक कर रहा है, सब कॉमेडी. थ्री बोल रहा है. थ्री कैसे बोला यार. कोई बात नहीं, आएगा. सो रहा था क्या अभी तक. नहीं सर. आंसर आंसर आ गया, x square minus 4x plus 1 equal to 0. चलो. आपने कॉन्जुगेट क्यों लिया. कॉन्जुगेट इसलिए लिया क्योंकि देखो हमने पढ़ा था ना कि अगर कोएफिशिएंट्स, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट्स रैशनल है. फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स. तो अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल होंगे तो जो इरैशनल रूट्स होती हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आती हैं. हमने भी प्रॉपर्टी रिवाइज किया ना, तुमने क्लास में पढ़ा होगा. तो टू प्लस रूट थ्री अगर एक रूट है तो टू माइनस रूट थ्री अपने आप दूसरी रूट बन जाएगी. ठीक है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसका डेरिवेशन हो जाएगा. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. सेम क्वेश्चन है कॉस 36 के लिए. अच्छा कुछ लोगों ने तो अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट भी नहीं की है, तो उनके लिए तो मुश्किल है. ठीक है. और सर वो tan 75 की वैल्यू कैसे है. हाँ तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं ना अभी तक. नहीं पढ़ी है. तो लेकिन तुमने फिजिक्स में ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा आई थिंक. फिजिक्स में तो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan a plus b का. Did you cover it in physics, tan a plus b? Sir, sir, sine or cos ka padha hai. Achha, sine cos padha hai. Chalo, fine. Theek hai, sine cos padha hai. So, kya hota hai, mujhe batao, sine a plus b ka formula kya hota hai? It is sine a cos b plus cos a sine b. Now, what if you put a equals to 45 and b equals to 30? You will get the value of sine 75. And similarly, you can find cos 75. Divide these two, you will get the value of tan 75. बट इतना मुश्किल है नहीं है. आई मीन एक बार जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट होगी ना, tan 75 तुम्हें याद हो जाएगा. तो जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उसको हम स्किप करते हैं. ओके, तो ये है भाई इनइक्वालिटीज स्टार्ट हो गई यहाँ पर. इनइक्वालिटीज में बेसिक सबको इनइक्वालिटीज के पता ही है, उसमें रिविजन वाली कोई बात है नहीं. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. टेल मी, व्हाट डू यू नो अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. व्हाट डू यू नो अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. सर इसका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा सर, उससे हमेशा ऊपर रहेगा. हाँ, मतलब जैसे ये एग्जांपल में फर्स्ट स्लाइड में लिख रहा है हमको, एक्सप्रेशन व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड. एक क्वाड्रेटिक फैक्टराइज क्यों नहीं हो सकती है, क्या लगता है. एक क्वाड्रेटिक फैक्टराइज कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती. जब रूट्स उसके रियल होंगे तो वो फैक्टराइज हो जाएगी, और अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगी. सो द एक्सप्रेशन व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड is always positive. Heading upwards अगर होगा तो always positive होगा ना वो. जैसे x square plus x plus 1 is always positive. क्यों x square plus x plus 1 always positive है? इसके इसको समझने के दो तरीके हैं. पहला, first reason ये है इसका कि भाई अगर हम इसका graph बनाएंगे, parabola बनाएंगे, तो जो parabola होगा वो always above x axis. ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव. दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. दूसरा मेथड यह है कि अगर तुम यहाँ पर चलो तुम देखना चाहते हो कि ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, इफ यू नो हाउ टू कम्प्लीट द स्क्वायर, दिस इज एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4. क्लियर सी बात है कि एक परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है अगर वैल्यू रियल है तो, और प्लस 3/4 तो पॉजिटिव है ही, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0. सो इन शॉर्ट, क्वाड्रेटिक इज a quadratic is always positive if it cannot be factorized and it is heading upwards, the parabola is heading upwards. Ya fir discriminant less than 0, ye condition agar tumhe yaad ho tumhe class mein likhwaya gaya hoga, a positive and d negative. Agar a positive hai aur d negative hai to parabola aisa banega aur wo jo quadratic hai ax square plus bx plus c
इट विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हमेशा पॉजिटिव रहेगी. तो ये बात सबको पता ही है और ये इम्पोर्टेंट बात है ना. देखो ये भी वही क्वाड्रेटिक. तो what do you think is the solution to this inequality? X square minus 3x plus 4. X square minus 3x plus 4 less than 0 का solution क्या होगा? Sir, x belongs to all real values. Are you sure? क्योंकि यहाँ पर less than 0 का होगा. नहीं, only the उसके roots. X square minus 3x plus 4 less than 0. कैसा parabola होगा ये? अगर हम इसको draw कर रहे हैं. कैसा पैराबोला होगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा और सर नीचे रहेगा. हेडिंग डाउनवर्ड्स पर टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस. अपवर्ड रहेगा ना सर? 1 में. हां सर अपवर्ड रहेगा. तुम लोग क्या हो गया यार? तुम लोग उसको हेडिंग डाउनवर्ड बोल रहे हो. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. आज प्लस 1 माइनस 1 दिखा तुमको. सर अपवर्ड रहेगा लेकिन एक्स एक्सिस. हां सर अपवर्ड रहेगा. अपवर्ड अपवर्ड कुछ तो हुआ है. ज्यादा अच्छे मार्क्स आगे लग रहा है. ये पैराबोला ये है भाई. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4. अब तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस इनइक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0. डू यू थिंक दिस क्वाड्रेटिक y कभी भी नेगेटिव होगा? ये पैराबोला x एक्सिस नीचे आया कभी भी? नहीं, नो सर. सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. एक्स बिलोंग्स टू फी. नो सॉल्यूशन भाई. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. आंसर नो सॉल्यूशन है इसका. सर पॉजिटिव होता तब होता ना ऑल रियल वैल्यूज. हाँ अगर ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 होती तो होता ऑल रियल वैल्यूज. ये सारे एग्जांपल वही वाले. द एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी फैक्टराइज्ड. तो ये तुम्हारा अब वो एक्सप्लेन कर रहा है अपना जो वेवी कर्व मेथड था. फैक्टराइज इन लीनियर एज फार एज पॉसिबल. मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एज 1 जो लिखवाया था. मार्क जीरोस यानी रूट्स ऑफ लीनियर ऑन नंबर लाइन एंड गिव साइन टू रेस्पेक्टिव एरिया ऑन द नंबर लाइन. तो ये पूरी बात जो है वो वेवी कर्व की है. और इस क्वेश्चन को हम लोग चलो सॉल्व करते हैं. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ. चलो इनइक्वालिटी तुम्हें सामने दिख रही है उसको सॉल्व करो. और अब टेक योर टाइम, जल्दी बताने की जरूरत नहीं है. जो बताना है सही बताना है, ठीक है? आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए. वेवी कर्व हम इस क्वेश्चन की हेल्प से रिवाइज कर लेंगे और जो भी तुम्हें मिस्टेक है वो हम एड्रेस कर लेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के थ्रू. बट कोशिश करो कि मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो वेवी कर्व ड्रॉ करो और मुझे आंसर बताओ इसका. माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस टू इनफिनिटी से माइनस 2 यूनियन इंडियन 7 टू इनफिनिटी. 7 टू इनफिनिटी. अच्छा सभी का ये आंसर है या किसी का डिफरेंट आंसर? एक सेकंड. सर 1 टू 2 भी होगा ना? यूनियन 1 टू 2. हाँ और क्या बता रहा है? 1 टू 2. 1 टू 2 कैसे? 1 टू 2 कैसे? हेलो. हाँ 1 टू 2 यस. यूनियन 1 टू 2 भी. हाँ श्रीकांत. और किसे कोई आंसर है या फिर मैं निकालू उसको? सबका सेम आंसर है? सभी का आंसर सेम है? आंसर क्या है? यही आंसर. वेवी कर्व में क्या करते हैं श्रीकांत? राइट मोस्ट रीजन से कर्व. उसके पहले
क्रिटिकल पॉइंट्स को लीडिंग लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव हां क्या हां सब कुछ भूल क्यों रहा है अभी अभी इस स्लाइड में ऊपर आया था ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हां हां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एज 1 तूने बनाया था सर बनाया तूने बनाया तो 1 माइनस क्या किया तुमने बताओ बताओ मुझे क्या किया क्या किया कैसे बनाया 1 कैसे बनाया माइनस को कॉमन लिया माइनस कॉमन लिया हाँ तो क्या बन गया x माइनस 1 और दूसरे फैक्टर में 2 कॉमन लिया चलो 2 तो पॉजिटिव है 2 हट गया अब ये माइनस 1 वहां पर रह दिया माइनस 1 को हटाओगे नहीं माइनस 1 हटाओगे साइन इनवर्स हो जाएगी इक्वल इनइक्वालिटी साइन इनवर्स हो जाएगी और सारी पावर्स ऑड है 1 है तो साइन हर जगह चेंज होगा ग्राफ ऐसा बनेगा लेकिन हम क्या देख रहे हैं ओके टेन जीरो देख रहे हैं ओके 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 सॉरी माइनस टू टू वन टू टू सेवन आंसर है माइनस टू टू वन यूनियन टू टू सेवन चलो ट्राई करो इस इनइक्वालिटी का आंसर निकालो x square minus x minus 6, x square plus 6x, greater than 0. Solution. बहुत मिस्टेक कर रहे हो यार तुम लोग ऐसा लग रहा है आउट ऑफ टच हो गया वो क्वाड्रेटिक से आउट ऑफ टच नहीं हुआ तुम जल्दी में आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो आराम से करो कौन सी जल्दी हो रही है इसका आंसर कौन बताएगा इसका आंसर बताएगी दिशा दिशा आंसर बताओ उसका दिशा और जा रही है ओके yes, sir. Okay. Tell me, what should be our first step? What should be our first step? Disha, guide me. We must. Yes, sir. 1 minute. No, just tell me. I'll do whatever you instruct. I'll factorize, you know. First step, I should factorize. First step, we have to factorize. Yes, we have to factorize. So, what are the factors? Like x square plus 6x is x into x plus 6, and x square minus x minus 6. Factors are x plus 2 into x minus 3. Right? Yeah. Then draw this number line. Yeah. Plot the points minus 6, minus 2, 0, yes. And all powers are odd, starting from positive, sign change. Negative. What is your answer, Disha? And your answer is? Minus infinity to. Minus infinity to positive hai na jahan par ye positive hai wo batana hai to minus infinity se minus 6 yeah ye positive hai na above the number line above and this thing is negative ye negative hai na ये पॉजिटिव
ये पॉजिटिव है. माइनस इनफिनिटी टू माइनस सिक्स यूनियन, माइनस टू टू जीरो यूनियन, थ्री टू इनफिनिटी. थ्री टू इनफिनिटी सही है, ये आया था आंसर. आ गया था, गुड. ओके सर, अगर यहाँ पर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक होता जिसके रूट्स अनरियल होते तो उसका आंसर क्या होता सर? फाइ होता है फिर? अगर अगर रूट्स अनरियल हैं तो वो बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जैसे मान लो ये क्वेश्चन आता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 1 इनटू x माइनस 2, बट ये फैक्टराइज नहीं होगा बिकॉज के रूट्स जो है वो अनरियल है. लेकिन इसके बारे में आज ही मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था ना, रूट्स इसकी अनरियल क्यों है, ये फैक्टराइज क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये ऑलवेज पॉजिटिव है. दिस थिंग इज दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, और तुम्हें लिखवाया गया ना कि जब कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव हो तो उसको रिमूव कर दो. यू कैन सिंपली रिमूव दिस, रिमूव दिस क्वाड्रेटिक. क्या बचा? x माइनस वन into x minus 2 is always greater than equal to 0. Sir, अगर और negative होता है तो निकालते हो sign change होता है ना? Sign change होता, correct. Sign change. Minus infinity to 1, union 2 to infinity. चलो finally answer. Both included. क्या बात है? अब सही लगा. So answer is minus infinity is 1, union 2 to infinity. Quadratic में तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी equality नहीं मिलेगी. हाँ. सर आपने जो अभी क्वेश्चन किया था इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में एक एक पॉइंट पे सर फैक्टराइज करते हैं सिर्फ x आया था, तो सर वो x को मैंने 1 लिख के किया था, मतलब वो 0 क्यों हो रहा है? क्या था फैक्टराइज करने का? हाँ सर, जैसे कि यहाँ पे आपने माइनस 2 टू 1 लिखा है ना एक इंटरवल, सॉरी माइनस 2 टू 0, तो सर मैंने माइनस टू टू वन लिखा. वन कहाँ से आ गया? ये पॉइंट्स हम कैसे लिखते हैं? ये पॉइंट्स क्या हैं? ये माइनस टू जीरो थ्री, ये माइनस सिक्स कहाँ से आता है? कैसे आता है ये? इन सबको जीरो से इक्वेट करके ना, दिस इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो, इन सारे एक्सप्रेशंस को जीरो से इक्वेट करने पर जो एक्स की वैल्यू मिलती है उसे को तो बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. हमारा वन कहाँ से आ गया? एक और कर, चलो ये करते हैं ये वाला क्वेश्चन. एक्स क्यूब टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एक्स माइनस फोर पावर सिक्स डिवाइडेड बाय x minus 3 whole cube 3x minus 8 power 4 less than equal to 2. कहीं कोई negative coefficient है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं. 1 नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस एक्स नहीं आना चाहिए, है ना? क्या अभी क्रिटिकल पॉइंट्स होता? क्या प्लॉट करूं मैं यहाँ पे? जीरो और उसके बाद जीरो के बाद थ्री बाय टू नेक्स्ट फोर नो थ्री बचा है फोर बचा एट बाय थ्री बचा है तो ये फोर दिखा छोटा ऑर्डर होगा ना भाई सर. तो मतलब लीनियर टर्म का पावर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता? लीनियर टर्म का पावर देखो दो तरीके हैं उसको पढ़ने और पढ़ाने के, मुझे नहीं पता कि तुम्हें सर ने कैसे बताया होगा नॉन इंडिया लेकिन मैं जो बताता हूँ उसमें ये है कि पावर कुछ भी हो अभी तुम इसको प्लॉट करो. इसको प्लॉट करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिलते हैं डिनोमीटर से उनको एक्सक्लूड कर दो. जैसे एक्स माइनस थ्री होल क्यूब ये एक्सक्लूड हो गया, एट बाई थ्री एक्सक्लूड हो गया, मतलब ये हमारे फाइनल आंसर का पार्ट नहीं हो सकता. x cannot be equal to 3, x cannot be equal to 8 by 3. But जो points numerator से मिल रहे हैं, 4 मिल रहा है, 3 by 2 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, उन सारे points को तुम include करोगे.
क्यों इंक्लूड करोगे? बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी भी है, लेस देन के साथ साथ इक्वल टू जीरो भी है ना। तो इस रीजन से हम इसको इंक्लूड करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड किया, उन तीनों पॉइंट्स को एक्सक्लूड किया। अब तुम कहोगे पावर इवन है, ऑलवेज पॉजिटिव है, बट वो जीरो भी तो हो सकता है ना। तो ये काम करने के बाद जरूर तुम उसको रिमूव कर सकते हो, बट बेटर होगा मत करो। और यहां से तुम्हारा वेवी कर्व आया प्लस रीजन से, फोर पे हिट किया। बताओ भाई फोर पे क्या होगा, साइन चेंज होगा या नहीं होगा? विल इट गो टू नेगेटिव रीजन और बाउंस बैक? बाउंस बैक पावर इवन है, थ्री पर चेंज होगा। सर ये नहीं बताया था हमें, करेक्ट तुम्हें बताया गया होगा कि उसको रिमूव कर दो ना। सर मुझे तो याद भी नहीं है सर ने पढ़ाया था कि नहीं। अरे इनइक्वलिटीज नहीं हो तुम लोगों की, इनइक्वलिटीज तो हुआ होगा। सर वेवी कर्व मेथड के बारे में सर ने कभी कुछ कहा नहीं। हां सर ये नहीं बताया मैं। हां सर पर तुम्हारा तो इनइक्वलिटीज पहले हो चुका है, इनइक्वलिटीज सर ने बताया कि तुम्हारा। हां सर हुआ तो है पर सर ने इसके बारे में कभी बोला नहीं। अच्छा एनीवेज वैल्यू, तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हो? ये क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? सर हमें कभी इतने बड़े एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन नहीं दिया। हां भाई सर सर अच्छा सर हमें ये क्या वैल्यूज, जैसे कि 4 है ना, तो फिर उसके बाद का 5 का वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के लिए बोला था, और फिर प्लस माइनस के बट बहुत लंबा हो जाएगा ना यार। 4 के बाद हम 5 रखेंगे, फिर उसके बीच में कुछ रखेंगे, ऐसा रखते रखते तो बहुत टाइम निकल जाएगा। वही मेथड बताया था सर। अच्छा तो हो सकता है बाद में सर बताने वाले, तो अभी तो फिर अभी डिस्कशन करने का टाइम है नहीं यार। मैं पूछता हूँ सर से, तुम्हारा मतलब उनको क्या प्लान है, कब बताने वाले? नहीं सर हमारा इनइक्वालिटी भी खत्म हो गया। इनइक्वालिटी तुम्हारा खत्म हो गया? लेकिन अच्छा मतलब इस लेवल की इनइक्वालिटी तुम्हारे सामने नहीं आई, मतलब बहुत बड़ी पावर्स या बहुत सारे एक्सप्रेशंस नहीं आए ना अभी? हाँ सर। ओके ठीक है ठीक है, मैं पूछता हूँ सर से। हाँ हो सकता है कि आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया भाई? एक्सपोनेंस 2 0 2 3 बाय 2 3 बाय 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट। हां 0 एक्सक्लूडिंग 8 और 3। हां हां मतलब तुम चाहो तो ऐसा। हां यही आया, यही है। अच्छा नेगेटिव वाला जिन लोगों का नहीं हुआ है ये आंसर अब तक सही नहीं है। अभी यहां पर एक 4 भी इंक्लूड होगा, अब सही होगा, 4 भी आंसर है ना। तो ये अगर तुमने नहीं पढ़ा अभी तो हो सकता है सर बाद में पढ़ाएंगे, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वालिटीज है उसके बारे में बाद में डिस्कशन हो सकता है, बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक इनइक्वालिटीज पढ़ाई हो सकती है। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है भाई तो इसको हम अभी फिलहाल स्किप कर रहे हैं, ये मैं स्लाइड भेज दूंगा, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो लोग अपने आप सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है काफी क्वेश्चन हैं इसमें, इस पर बेस्ड। चलो ग्राफ की एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, ये ठीक लग रहा है। ट्रू फॉल्स जल्दी बोलना है, बताओ भाई ट्रू फॉल्स ग्राफ देखो और बताओ ट्रू फॉल्स। फॉल्स दिस वन ट्रू ट्रू बस ट्रू 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 कैसे नहीं 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 रुको रुको फॉल्स 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 ए है ना तो फॉल्स कैसे माइनस बी बाय ए है हां तो वो ऐसा नहीं होता इसलिए फॉल्स माइनस बी बाय ए रिटर्न जीरो नहीं हो सकता सर बी कैसे निकालेंगे सर मतलब बी की कैसे सर बी बी एक मिनट एक मिनट एक मिनट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वो तो माइनस बी पे 2 है होता है ये सर ट्रू है क्या माइनस से सर ये बिल्कुल ट्रू है माइनस बी बाय 2 के बारे में क्या बोल सकते हैं
माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होगा। हाँ वो तो पॉजिटिव है लेकिन माइनस बी बाई तो सम ऑफ रूट्स है कोई, या तो माइनस बी बाई टू ए अगर पॉजिटिव है तो माइनस बी बाई ए पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ है, हाँ है, 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 yes. किसी चीज का हाफ पॉजिटिव तो वो चीज पॉजिटिव नहीं है, है। इसका वर्टेक्स देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से वो पॉजिटिव होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो माइनस बी बाई टू ए इज पॉजिटिव। तुम सम ऑफ रूट्स बोल रहे हो, सम ऑफ रूट्स देख लो भाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा देखो एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव, बट ये दिख रहा है कि जो पॉजिटिव रूट है वो बड़ी है मैग्नीट्यूड में, बड़ी होगी और नेगेटिव वाली मैग्नीट्यूड में छोटी होगी, तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव रहेगा, दिख रहा है ना। वो ये भी हम लगा सकते दिमाग, दिमाग ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, वही बात है ना, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। सी भाई बताओ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स है बिकॉज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सब का नेगेटिव। एंड दिस ट्रू है सर, फॉल्स कांट बी सेड, कांट डिसाइड, अल्फा प्लस बीटा के एडिट लगा के माइनस बी बाय का फॉर्म्स। एक बार फिर जब b निकालना होता है तो हम यूज करते हैं, फिर से देखो वर्टेक्स को यूज करेंगे, माइनस बी बाई ए इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ना पॉजिटिव है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, माइनस बी बाई पॉजिटिव ट्रू है, माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि b बाई ए नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक नेगेटिव वैल्यू है बिकॉज हमको पता है ये हेडिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, a नेगेटिव है, अब पूरी चीज नेगेटिव है तो b क्या होना चाहिए, negative, b should be positive and this is true, ये बताओ। हाँ सर, true 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 true, ये बताओ true with reason, quadratic equation has no real roots sir, so always that, positive hoga ya fir always negative, dono possibilities hain, if a quadratic has no real roots then its parabola will be like this or it will be like this, dono possibilities, ab for both cases if it is the graph of y equals to ax square plus bx plus c, what is a plus b plus c, dekho is case mein to dikh raha hai ye c hai, always positive hoga a plus b plus c is case mein na, kyun kyun always positive always negative bol rahe ho, kaise pata sir, jab a plus b plus c positive hoga tab c bhi positive hoga aur jab wo negative hoga to c bhi negative hoga, kaise bhai jo proof karna hai, कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को, ग्राफ पूरा ऊपर ही है ना, दिया x को बदल दिया, मुझे मैं पूछ रहा हूं a plus b plus c, हां a plus b plus c कैसे आया, a plus b plus c ऐसे आया है, देखो अगर हम इसको fx मान ले तो x को f of 1 f of 1, अगर हम x को 1 रखते हैं तो f1 क्या आएगा, a plus b plus c, f of 1 is a plus b, लेकिन यानी वन पर सर वाई तो नो रियल रूट्स दिया है ना, तो रूट्स कहाँ है, क्या ये पैराबोला नो रियल रूट्स दिया तो हम वन नहीं कर रहे, तो फिर ये एक पैराबोला है वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे तो सोल्यूशन नहीं आएगा, बट एक्स इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू तो आएगी ना, अरे भाई ये पॉइंट तो पैराबोला पे होगा ना, वन कॉमा ए प्लस बी प्लस सी, ये पॉइंट तो उस पे होगा, अच्छा हाँ 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 ओके, मतलब ये वाई की वैल्यू प्लस सी, ये पॉइंट तो होगा ना, ये वाई की वैल्यू है
और साफ दिख रहा है कि जब c पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ऊपर है, और जब c नेगेटिव है, a प्लस b प्लस c भी नेगेटिव है, तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। सही है भाई, चलो ठीक है, ठीक आगे बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें, हम थियोरी को रिवाइज कर लें बेटर रहेगा। इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस हैं ज्यादातर ये। क्वाड्रेटिक विद वन रूट जीरो, वन रूट इन्फिनिटी, बोथ रूट्स, ये सब। सिमेट्रिक फंक्शन, चलो इस, हाँ यहाँ पे आते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। कंडीशन ऑफ कॉमन, कॉमन रूट्स वाली कंडीशन है ना, क्या पढ़ा अभी हमने? पहला पॉइंट पढ़ा कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, सो व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन देन, पढ़ा ना ये, याद है? बोथ इक्वेशंस आर, बोथ इक्वेशंस आर सेम, और अगर वो सेम नहीं है तो कोएफिशिएंट सेम रेशियो में आ जाएंगे। a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। एंड कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, अब ये तुमने ऐसा पढ़ा होगा, a2 c1 minus a1 c2 whole square equals to, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो कंडीशन तुम्हें अगर याद हो, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। सर यही कंडीशन कभी भी याद नहीं रहती। हाँ लेकिन उसको याद करने तक बताया था ना, ac वाली टर्म उधर है होल स्क्वायर में, फिर ab ba और bc cb, तो सिमेट्री है, उसको याद करना मुश्किल नहीं है, याद कर सकते हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो, find the value of k for which the equations have a common root, बताओ कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, मुझे पहले तरीका बताओ आंसर। उसी से k की तो दो वैल्यूज आ सकती है ना, करेक्ट, k की दो वैल्यूज आ सकती है, बट आंसर लाओगे कैसे, मेथड क्या होगा हमारा? फैक्टराइज करेंगे पहले इक्वेशन को, दो जो रूट्स आएंगे सर उसको इनपुट करके, वेरी गुड, केस बनाकर। यहां पर तुम्हें कंडीशन यूज करने की जरूरत नहीं है, रिमेंबर कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चंस में अगर रूट्स निकल सकती हैं तो रूट्स निकाल लो। अब जो पहली इक्वेशन है उसके रूट्स निकल सकती हैं 1 एंड 2, और अगर रूट कॉमन होगी तो वही तो कॉमन होगी, इसका मतलब 1 सैटिस्फाइज द सेकंड इक्वेशन, और 2 अगर सेकंड इक्वेशन, हां पहले मान लेते हैं कि 1 सैटिस्फाई कर रहा है, तो अगर 1 सैटिस्फाई कर रहा है तो k की वैल्यू क्या आएगी, देखो x को 1 रखो वहां पर, माइनस x को 1 माइनस 5/4 एक आंसर हो गया, और अब x को 2 रख लो, 2 रख के देखो क्या आंसर आ रहा है, टू रखने से क्या बाय टू, माइनस इलेवन बाय इलेवन, माइनस इलेवन बाय टू, इलेवन फोर्टीन बाय फोर्टी, माइनस फोर्टीन बाय सेवन बाय फोर, यानी माइनस सेवन बाय फोर, माइनस सेवन बाय फोर, सॉरी माइनस सेवन बाय फोर, माइनस फाइव बाय फोर या फिर माइनस सेवन बाय फोर, तुम्हारा आंसर आ गया। सर चेक कैसे, सर अगर हमको चेक करना कि कौन सा रूट एक्चुअली कॉमन है तो वो कैसे, वो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसने बोला हैव अ कॉमन, कोई भी हो सकता है ना, तुम्हें जरूरत है ना चेक करने की कौन सी, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, दोनों तो खैर हुआ नहीं तो एक ही होगी, तो दोनों आंसर सही है। वो ढूंढना रहेगा तो कैसे ढूंढेंगे, अगर हमको क्या ढूंढना होगा, अगर हमें कॉमन रूट ढूंढना होगा तो वो कैसे ढूंढेंगे? अरे बेटा कॉमन रूट ही तो लेके चल रहा है, तूने तो बोला कि वन इज अ कॉमन रूट, ढूंढना क्या है, जब तुमने उसको फैक्टराइज किया पहले इक्वेशन को, तुम्हें रूट सिंपली वन और टू, और क्वेश्चन में दिया होगा कि कॉमन रूट है, तभी तुम अज्यूम कर लोगे वन इज अ कॉमन रूट, ढूंढना तो ही ना, वो तुम्हें पता है। अच्छा, x equals to 1 is a common root, x equals to 2 is a common root, case 1, case 2, आंसर आ गया, minus 5 by 4, minus 7 by 4, खत्म हो गया। सर वन रूट कॉमन वाला कंडीशन नहीं लगा सकते इसमें? लगा सकते हो, बट फालतू में एफर्ट वेस्ट होगा ये सॉल्व करना, बहुत लंबा हो रहा है वो, लंबा हो जाएगा ना, उससे मैंने कहा ना कि ये कंडीशन तो काम की है ही, उसका यूज करो क्वेश्चंस में, बट उससे बेटर है अगर रूट्स निकल सकती है, रूट्स निकाल के सेटिस्फाई करा दो, काम खत्म, जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो हमने ओरली सॉल्व कर लिया, माइनस फाइव फोर माइनस सेवन फाइव, ये क्वेश्चन देखो, हैव बोथ रूट्स, हैव बोथ रूट्स इन कॉमन, क्या होगा इस बार? इस बार तो कंडीशन लगेगी वो अपना, तो बोथ रूट्स कॉमन कंडीशन क्या है, क्या आएगा फिर यहाँ पर? 3 by 3 is equal to 5 by 10 is equal to 2 by q, यानी p by 3 equals to half, so p equals to 3 by 2, and half equals to q by 2 by q, so q equal to 4. 4.
خلاص ٹھیک ہے یہ بھی سیم ہی کوسچن ہے یہ کچھ ٹھیک ہے چلو یہ والا کوسچن ٹرائی کرو بھائی سب لوگ سیکنڈ ایکویشن میں وہ ایکس اسکوائر نہیں ہے نا سیکنڈ ٹرم میں وہ ایکس ہے ایک منٹ رکو کوئی آیا ہے کوسچن دیکھو 4x square sine square theta minus 4 sine theta x plus 1 equal to 0. And this equation, ye jo second equation likhi hai, usme middle term mein x hai, x square nahi hai, theek hai? I have a common root and the second equation has equal roots. Then find the possible value of theta. So yeah. Batao, kaise karenge? Common root wali identity. Are you sure? Common root wale identify karenge to pata kya hoga? Sin theta ke sath sath a square, b square, c square sab aa jayenge. Aur halaat hamare kharab ho jayenge. Normal alpha plus beta use kar sakte hain. Sir, second wale ki equal roots hai, to jo uska root aayega, wo hi common root hoga first wale ka. Exactly. Yeah. Very good. Now this is something which is called to be going in right direction. तुम लोग केवल फॉर्मुला देखकर इतने वो हो जाते हो कि बस फॉर्मुला देखा और लगा दिया काम खत्म छोड़ो सोचो दिमाग लगाओ ना यार कॉमन रूट लिखा है उसके साथ साथ ये भी तो लिखा है कि सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स तो अगर रूट्स इक्वल हो गए सेकंड की तो जो उसकी रूट है वही कॉमन रूट है नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कैन यू फाइंड द रूट्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेटिक जो दूसरी क्वाड्रेटिक है क्या तुम उसकी रूट निकाल सकते हो हाँ क्या है उसकी रूट एक मिनट क्लिक कुछ क्लिक है ये रहा क्लास में एबीसी अगर तुम एक्स को वन रखोगे वन इसको सेटिस्फाई करता है आइडेंटिटी होती है ना हाँ अगर तुमने एक्स को वन डाल दिया देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है देखो वन रख के देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट तो तुम्हें उसकी रूट मिल गई सेकंड इक्वेशन रूट क्या है वन और वो रिपीटेड है तो वन वन तो वही कॉमन हो गई इसका मतलब वन सेटिस्फाइज फर्स्ट इक्वेशन एज वेल तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स को वन डाल दो एक्स को वन फर्स्ट इक्वेशन में एक्स को वन डाल दिया देखो अभी तक पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है दिमाग लगाओ काफी क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे मिलेंगे पूरली सॉल्व हो जाते हैं x को 1 डालो चलो फर्स्ट इक्वेशन x को 1 रखो और sin स्क्वायर तो sin थीटा को x पकड़ेंगे ना क्या sin थीटा को कोई sin थीटा को कोई वेरिएबल पकड़ेंगे हां हां t डाल दिया सर अरे x को 1 डालोगे तो क्या बन रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 सर तो अभी sin थीटा को वेरिएबल ये परफेक्ट स्क्वायर है दिस इज 2 sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ठीक है तुम sin थीटा को y रख लो 30 डिग्रीज है ना यस आंसर इज 5/6 और 150 डिग्रीज जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है साइन थीटा अगर हाफ आ रहा है तो दो आंसर है ना 5/6 और 5/6 और ये क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया ठीक है तो कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चन लगा डालना इस अभी मैं शेयर करूंगा स्लाइड को जब ये हो जाएगी एक बार तो कॉमन वाले जो क्वेश्चन याद है काफी है मतलब तुम केवल इसको फिनिश कर लो ना स्लाइड को तो क्वाड्रेटिक फिनिश्ड है क्वाड्रेटिक में तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं सर आप ये पीपीटी भेज सकते हो हां हां शेयर कर लूंगा सीवर्ड कारगर वाले ग्रुप पे नॉन इंटीग्रेटेड ठीक है तुम लोग अभी इनइक्वालिटी छोड़ देना इनइक्वालिटी तो उन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो मत करना अभी नेक्स्ट है रेंज ऑफ यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सभी ने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक अटेन्स इट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट वेयर x इज माइनस v बाय 2a व्हिच इज कॉल्ड वर्टेक्स हेडिंग अपवर्ड है तो वर्टेक्स पे मिनिमम आएगी और हेडिंग डाउनवर्ड है तो वहां पर मैक्सिमम तो उसका डायरेक्ट फार्मूला हमने पढ़ा था सबने पढ़ा होगा माइनस d बाय 4a टू इनफिनिटी अगर हेडिंग अपवर्ड है और डाउनवर्ड है तो माइनस इनफिनिटी से माइनस d बाय 4a फार्मूला है और चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ट्राई करो इस क्वेश्चन को दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज 6 व्हेन x इक्वल्स टू 2
फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एट ये है और इसमें बोल रहे हैं मिनिमम, मिनिमम वैल्यू इज सिक्स एट एक्स इक्वल्स टू टू. सर ए हाफ है क्या? जो भी है पॉजिटिव हो गए तो कंफर्म है. हेडिंग अपवर्ड पैरा बोला होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू इन माइनस इनफिनिटी आई थी. तो ए तुम्हारा हाफ आ गया. कैसे स्टार्ट किया तुमने? सर पहले x को, सर पहले तो माइनस बी बाई टू की वैल्यू जो होगी वो टू होगी. परफेक्ट, माइनस बी बाई टू टू. फिर टू को, फिर टू को इनपुट इस इक्वेशन में डालने के बाद सिक्स आ रहा है तो वो भी डाल. सर टू क्यों होगी, सिक्स होगी ना. x इज टू ना, तो वो p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट होगी ना. हाँ लेकिन माइनस बी बाई टू है, टू कैसे होगा, वो तो सिक्स होगी ना. क्योंकि पूछा है सर मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इज सिक्स. और ये क्या दिया है एट एक्स इक्वल, अच्छा मतलब अच्छा एक्स प्लस टू पे मिनिमम वैल्यू है. ओके 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 ओके. टू टू यहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आएगा फोर ए प्लस टू बी प्लस एट एंड दैट इज इक्वल टू सिक्स. मिनिमम वैल्यू पी एक्स की सिक्स है. कब? जब एक्स टू है. तो एक्स को टू डालने पर ये इक्वेशन आ जाएगी. तो ये अगर तुम नहीं लिखते ना माइनस बी बाई टू ए टू तो आंसर नहीं आता. लेकिन अब तुम्हारा आंसर तुम्हें दिख रहा होगा क्योंकि बी इक्वल्स टू आ गया है माइनस फोर. तो बी को अगर हम माइनस फोर ए डाल दें यहाँ पर, फोर ए माइनस एट ए प्लस प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से जाएगा फोर ए इक्वल टू टू यानी ए इक्वल्स टू हाफ. बिल्कुल सही. और b जो है माइनस टू. हाँ भाई क्या कैसे हुआ, क्या नहीं समझा? माइनस बी बाई टू क्या होता है? व्हाट इज माइनस बी बाई टू? माइनस बी बाई टू वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है. अब क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ. इसकी मिनिमम वैल्यू जहां आ रही है वो सिक्स है और मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, जो x is 2. तो ऑब्वियसली 2 क्या होगा, ये माइनस पी बाई टू ही तो 2 होगा. हाँ सर समझ में आ गया, थैंक यू. ये तो बहुत इजी है. चलो ये भी इजी है, लॉग हमने पढ़ा नहीं अभी. अब रेंज में इसके बाद तुमने रेंज में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहां पर लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें सामने आए होंगे ना. रेंज ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर. तो क्या करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चन को? डोमेन निकालेंगे. डोमेन निकालेंगे. डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3. उसके बाद ऊपर का या जो क्वाड्रेटिक हो जब तक मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स में क्वाड्रेटिक बनेंगे. हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे. 2xy माइनस 6y. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस y प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू. नेक्स्ट स्टेप इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट greater than 0 equal to. हाँ, equal to 0. Discriminant should be greater than or equal to 0. Equal to 0. बस ये काम कर दिया, हमारा काम हो गया. चलो सॉल्व करो, आंसर निकालो उसका.
क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और इतनी इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की है, करनी ही पड़ेगी वरना रेंज निकलेगी नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताओ। सर अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं दिया होता तो हम लोग को दो केसेस बनाने पड़ते हैं। दो केसेस, अगर x स्क्वायर का कोई वेरिएबल कोएफिशिएंट होता तो हमें दो केस बनाने पड़ते, एक जिसमें नॉट इक्वल टू जीरो और दूसरा व्हेन इट इक्वल टू जीरो। तो सर उसके बाद हम यूनियन लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। जब तुम दो सेपरेट केसेस बनाते हो तो हमेशा यूनियन लिया जाता है, कभी इंटरसेक्शन नहीं लिया जाता है। सॉरी। केस वन अज्यूमिंग यू आर ए मैन, केस टू अज्यूमिंग यू आर ए वुमन, विल यू टेक इंटरसेक्शन? मतलब जब तुम सेपरेट केसेस बनाओगे तो तुम इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हो यार? अज्यूमिंग एक्स इज लेस देन टू, अज्यूमिंग एक्स इज ग्रेटर देन टू, व्हाट इज द इंटरसेक्शन? नॉट पॉसिबल, इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। केसेस जो हम बनाते हैं वो ऑलमोस्ट डिसजॉइंट होते हैं हमेशा। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इंटरसेक्शन ऑफ द टू केसेस यू हैव फॉर्म्ड। तो कभी इंटरसेक्शन मत लेना। जब तुम केस बनाओगे तो हमेशा यूनियन लिया जाता है। चलो बताओ, फिलहाल इस क्वेश्चन में केस बनाने की जरूरत नहीं है, केवल डी ग्रेटर इक्वल टू 0 सॉल्व करो, आंसर बताओ। सर सर आप एक बार क्वेश्चन वापस समझा सकते, वापस बता सकते हो कैसे करना? मेरे को समझ नहीं आया। क्यों, तुमने क्लास में नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन? क्लास में हुआ है ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। नहीं बट तुमने मतलब तुम फर्स्ट टाइम तो नहीं देख रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है? पहले किया हुआ है ना कुछ? हाँ शायद से किया है। किया हुआ है भाई। यहाँ पर तुम्हें रेंज निकालनी है, मतलब तुम्हें वाई की वैल्यूज निकालनी है, तुम्हें वाई की रेंज निकालनी है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू, वाई की मिनिमम वैल्यू, वाई कौन सी वैल्यूज को कवर करता है, इनको फाइंड करना है। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इन दोनों टर्म्स को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो वो 2x कॉमन निकल गया, 1 माइनस वाई आ गया, माइनस 11 प्लस 6y हो गया, ठीक है? यहां तक समझ में आया? हां सर। अब हम d ग्रेटर इक्वल टू 0 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ ये जो x है ना, x रियल होना चाहिए, ऑब्वियसली x रियल होना चाहिए। यस सर। यहां पर जो x लिखा हुआ है वो रियल, तो ये जो क्वाड्रेटिक है उसकी रूट्स रियल, और रूट्स रियल होने के लिए कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस हमको सॉल्व करना है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। सर आया किसे कोई आंसर आया भाई? ये इनइक्वालिटी हमको सॉल्व करनी है, यानी वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन माइनस सिक्स वाई माइनस इलेवन, ये हमको सॉल्व करना है। एंड दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस ट्वेल्व ग्रेटर इक्वल टू जीरो। क्या आएगा इसका आंसर बताओ? मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर तो 10 सेकंड में आना चाहिए। सर 6 और 2 तो रूट से आंसर पूछ रहा हूं। सर माइनस इनफिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इनफिनिटी। यस सर। तो ये रही इस एक्सप्रेशन की रेंज, माइनस इनफिनिटी से 2 यूनियन 6 टू इनफिनिटी। गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। सर x को 3 भी डाल के चेक करना पड़ेगा ना सर, आइडेंटिटी आई तो x को सर 3 डाल के चेक करना पड़ेगा कि y की क्या वैल्यू है। तो एक्सक्लूडेड है। हां पर अगर तो y की, पर सर अगर y की वो वैल्यू आ रही हो जिसके अंदर x 3 हो तो नहीं हो सकता ना बेटा, तो 3 अगर डालेगा डाल के देखिए। x square minus 4x plus 3. अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो क्या है? x minus 2, x minus 3. और ये क्या है? Sorry. Ah.
x माइनस वन इंटू x माइनस थ्री। हाँ भाई, अब जो है कैंसिलेशन होगा ना सर, उसके पहले तो वो सर कर्व बनाएंगे, उसके बाद कैंसिल करेंगे। नहीं, मैं उसमें से अगर करूँ ही ना, x कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग वन और थ्री, मैंने वन और थ्री को निकाल दिया, अब मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब मैं उस मेथड से कर ही रहा, अब तो ये लीनियर अपॉन लीनियर बन गया ना। अब जो तुम कह रहे थे ना, अब ये देखो होगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू थ्री, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू, यहाँ पर थ्री रख के देखो, थ्री माइनस टू वन, थ्री माइनस वन टू हाफ, तो जब x थ्री नहीं हो सकता तो y हाफ नहीं हो सकता। और एक और चीज, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, क्योंकि x रियल है तो y फिर 1 भी नहीं होना चाहिए, राइट, डिनोमिनेटर y माइनस 1, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सो व्हाट इज योर आंसर, y कैन बी ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग दो वैल्यूज, कौन से वैल्यूज एक्सक्लूड होंगे, एक तो 1 और दूसरी 3। बहुत बुरा दिन है, मतलब आंसर सामने लिखा हुआ है फिर भी गलत पड़ रहा है। अबे 3x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, y cannot be equal to half, y cannot be equal to 1, so your answer is all real numbers excluding half and 1। सर अगर डिनोमिनेटर वाला नहीं सिंपलीफाई हो पा रहा तो क्या करेंगे, मतलब तुम कह रही हो कि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है? हाँ सर। तो द प्रॉब्लम है ये वाला डिस्क्रिमिनेंट गिवन टू यू व्हिच बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, यस, यहां पर ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस इसलिए बिकॉज़ ये फैक्टराइज हो गया और उसके बाद देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में सॉल्व कर दिया, अदरवाइज ये जो पुराना मेथड है तुम अभी भी ये वाला मेथड इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो विदाउट कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर, cross multiply, form a quadratic and solve, आएगा आंसर उससे। ओके सर। ये तुमने क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन किए डिस्कस? हाँ सर। जहाँ पे कॉमन फैक्टर आता है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ने में पढ़ने में जहाँ पे एक कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे? मैंने इसमें क्या बताया था भाई, दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, अगर दूसरा मेथड ये था, अगर हम कैंसिल नहीं कर रहे तो फिर डिस्क्रिमिनेंट हमें इक्वालिटी हटाना पड़ेगा, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तुम लोग भी सुन लो भाई, जो लोग दूसरे बैचेस के हैं, अगर तुम इस क्वेश्चन में बाय चांस तुमने फैक्टराइज नहीं किया और तुम पुराने मेथड से प्रोसीड कर रहे हो, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर इनटू y माइनस फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई और तुमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की वन माइनस वाई और क्या आएगा भी एक्स कॉमन फोर वाई माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस थ्री वाई, प्लस सिक्स माइनस थ्री वाई, ठीक है। अब ये जो है ना, यहां पर एक ट्विस्ट है बस, और वो ट्विस्ट ये है कि यहां पर d इस बार ग्रेटर देन 0 है, और वो कब, व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1, y नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज अगर y 1 हो गया क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, सो दिस इज योर केस, केस 1। केस वन क्या है, व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1 यूज d ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वलिटी मत यूज कर, इक्वलिटी से मेरा आंसर रॉन्ग होता है, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे 4y - 5 का होल स्क्वायर
माइनस फोर इंटू वन माइनस वाई इंटू सिक्स माइनस थ्री वाई ग्रेटर देन जीरो यू विल डेफिनेटली गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. इसको पूरा सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो मैं बता तुम्हें क्या मिलेगा. जो मिलेगा तुम पूरा उसको सॉल्व करना अपने आप और तुम्हें मिलेगा 2y माइनस वन का होल स्क्वायर आफ्टर फ्यू स्टेप्स सॉल्व करने के बाद. व्हाट इज द सॉल्यूशन? सर d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले सकते? ये बड़ा बहुत लंबा डिस्कशन है इस पर, मतलब पूरी क्लास से लिया है इसको. तुम इसको तुम्हारा क्वाड्रेटिक कब फिनिश हुआ? सॉरी क्वाड्रेटिक तुम्हारा कब ओवर हुआ है? क्वाड्रेटिक सर अभी हमारा इनइक्वालिटी चल रहा है तो उससे पहले ही खत्म हुआ. नहीं मतलब लास्ट वीक हुआ है उसके और पहले? उसके पहले. ठीक है मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इसमें ये एक्सप्लेन करने के लिए बहुत पीछे है. अब यहाँ पर इक्वालिटी क्यों नहीं आनी चाहिए, ये मैंने इन लोगों को टास्क दिया था पूरे एक दिन का, दो दिन का एक्चुअली, ये लोग करके आए उसके बाद. तो जो लोग इसको जानने में इंटरेस्टेड है एक बार खुद ये इक्वालिटी मैं तुम्हें नोट लिखवा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नोट यहाँ पर करवा दे रहा हूँ और तुम इसको सोचो अपने आप और उसके बाद मेरे पास आओ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो यूज डी ग्रेटर देन जीरो इंस्टेड ऑफ डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो इफ देयर इज अ कॉमन रूट जैसे कि नथिंग कॉमन रूट थ्री एंड थ्री x माइनस थ्री इज अ कॉमन फैक्टर और कॉमन. तो वहां पे तुम्हें इक्वालिटी यूज नहीं करनी है, तुम्हें b ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना. अब ये क्यों करना है इसके बारे में एक बार सोच के मुझे बताना. अगर तुम समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो मैं बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसकी एक और क्लास लेनी पड़ेगी. सो इसका सोल्यूशन क्या है? चलो ठीक है ये तुम बाद में डिस्कस करते हैं. इसका सोल्यूशन क्या है? 2y माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा? So y is greater than 1/2. No. Don't use maths here. Use some common sense and see क्या लिखा होगा. Square. Yes. Excluding half. तुम्हें square को हटाने की जरूरत हुई ना? क्या लिखा होगा? स्क्वायर ऑफ एन एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो. तो किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे रियल नंबर का तो वो तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना. इट इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट हाफ. हाफ को हम क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हाफ पर ये जीरो हो जाता है और यहाँ पे हमने इक्वालिटी यूज नहीं की. बट एनीवेज ये तो केस वन था, देयर इज अ केस टू. व्हाट इज केस टू? If y equals to, what if y equals to 1? चलो y equal to 1 रखो यहाँ पर, y equals to 1 रखो, देखो क्या आता है, ये हो गया 0. हमें डोमेन निकालनी पड़ेगी. ये हो गया, हाँ डोमेन तो मैं निकाला हुआ है ना, ये तो डोमेन था. 4y minus 5 whole square greater than 0. Whole square? क्या बोल रहा है? कहाँ रख रहा है ये? इस क्वाड्रेटिक में रखना है भाई को 1 यहां पे. अच्छा ओके हां मैं सिर्फ उसको 0 बना रहा हूं. 0 माइनस x y को हमने 1 रखा है. माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0. एक मिनट, प्लस 3 हमने y को क्या रखा है? 1 रखा है ना, ये प्लस x. x इक्वल्स टू 3. क्या x इक्वल्स टू 3 एक्सेप्टेबल है? नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है x कैन नॉट बी इक्वल टू 3. इसका मतलब y इक्वल टू 1 नहीं हो सकता. सो क्या आंसर आया? y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, y कैन नॉट बी इक्वल टू हाफ. टेक यूनियन नॉट इंटरसेक्शन, ठीक है. सो y बिलोंग्स टू
क्या आंसर है? ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग हाफ है, ये आंसर है, ठीक है, समझा? हाँ सर। तो केस वन केस टू बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, और ये वाला जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि इसका एक लेक्चर और होगा, लेकिन तुम जरा सोच कराओ इसको अपने आप, सोचोगे तो ज्यादा अच्छे समझ पाओगे, मैं बता दूंगा तो फिर चाहे तुम भूल जाओगे चलकर। तो अपने आप सोचना कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे कॉमन रूट्स होती है क्यों d greater than 0 यूज करना है, इक्वलिटी यूज क्यों नहीं करनी। तो ये थे रेंज वाले क्वेश्चन, है ना, रेंज वाले क्वेश्चन याद दिए हुए हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स कराओ। यस यस। इंटरमीडिएट थ्योरम क्या था सर, एक बार रिवाइज करा सकते हो? सर आप ये वाला पीपीटी भेज सकते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहा वो जगह इंटर पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्वेश्चंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब कैसे लगाऊं वो, थोड़ा कुछ लगाने नहीं है, वैल्यू यहां पे डालनी है, आंसर आ जाता है अब उसमें, ठीक है क्वेश्चन डिस्कस कर डाउट्स में। एडवांस के पेपर में सर प्रेफरेबल नहीं होगा वैल्यूज डालना? नहीं नहीं, वैल्यू डालना मतलब उसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 जो दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो थ्योरम है भाई, मतलब वो कोई तुक्केबाजी नहीं है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैथमेटिकल थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट यूज कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है उस पर आते हैं, उस पर करो नेक्स्ट क्लास में उस पर आते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, ये तुम्हारी दिक्कत है, लोकेशन ऑफ रूट्स पे आते हैं, चलो बताओ। जैसे ये रहो पहला स्टेटमेंट टाइप वन, इफ बोथ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर, यहाँ पे डी है उस पर, अल्फा बीटा बोथ आर ग्रेटर देन डी, क्या बताया था मैंने इसमें, तुमने क्या पढ़ा है इसमें? D is greater than equal to 0, minus b by 2a is greater than the given number, or a into f of the function of the given number is greater than 0. See, ये रहा जो तुम बोल रहे थे। वाह, है ना, ये a greater than 0. हार्ड पड़ेगा ना ऐसा चार केस बनाने का, उसका तीन केस ही अच्छे थे। तो उन्होंने एक्चुअली फर्स्ट को फोर्थ में डाल दिया है। क्या हार्ड पड़ेगा? सर अकेले सॉल्व करना, मतलब चार केस सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन लेना, उससे अच्छा तीन केसेस आपने बना के दिए थे उसको। हाँ मतलब वो उसने a greater than 0 दिया है, हमने तो a into fd कर दिया, बात सही है। हाँ मेनली सेकंड थर्ड और फोर्थ जो कंडीशंस हैं, और फोर्थ में a into होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि a पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव होगा। तो बाकी दोनों कंडीशन तो क्लियर है, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? बिकॉज रूट्स रियल होनी चाहिए, और माइनस बी बाई 2 ए भी डी से बड़ा होना चाहिए, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। इस पैराबोला में देखो वर्टेक्स जो है वो भी डी के राइट में, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी के राइट में, इसलिए माइनस बी बाई 2 ए ग्रेटर देन डी। तो इस लोकेशन ऑफ रूट्स के इस टाइप में किसी को भी दिक्कत थियरी में नहीं? लोकेशन रूट्स में दिक्कत है क्या एग्जैक्टली? मतलब तो सर वन रूट वाले क्वेश्चन है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू वो सब में। हां सर, तो एटलीस्ट वन रूट, वो तुम्हें क्वेश्चन दिक्कत आ रही है, मतलब थियरी में कोई दिक्कत नहीं है ना, थियरी तो समझ में आती है ना? नहीं सर, कोई बात नहीं, चलो प्रमुख ये देखो, ये है टाइप टू, बोथ रूट्स लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द फिक्स्ड नंबर, यानी एक रूट इससे बड़ी है और एक रूट इससे छोटी, इस केस में क्या करते हैं? सेम, फिर इसमें से थर्ड कंडीशन लेते हैं जो नेगेटिव होगा। हाँ, एफ के नेगेटिव आना, इसमें केवल थर्ड कंडीशन यूज की जाती है, बिकॉज जो फर्स्ट कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली। सर मैं ऑलरेडी हूँ मीटिंग में। तुम ऑलरेडी हो? जी सर। कौन है मानिश? कौन आया अभी? हाँ सर, मेरे नाम से ही कोई और है। सर ग्लिच है, सर ग्लिच है, कोई नॉर्मल नहीं। अभी कौन आया? सर ये दो मनीष सर। अच्छा ये मनीष एक और आ गया, MB032 कौन है भाई? सर मैं ही हूँ वो, पर दो दो क्यों दिखा रहा?
दो कहां दिखा रहा है? दूसरा स्क्रीन यूज कर रहे हैं सेम डिवाइस भी तो सर दोनों का मुझे तो एक ही दिख रहा है दो है दो है दो है दो है दो है दो है हां दो है सर सर्च करो ऊपर एक बीच सर, में ये तो पक्का कोई अंदर वाला बंदा होगा सर डीपी भी सेम येरा येरा अच्छा ये वाला ये कौन सा है सर ग्लिच है मुझे लगता है अभी पता चल जाएगा मनीष है कि गया मनीष आ गया हाँ सर आपने मुझे निकाल दिया तू ही तो शायद निकाल दूँ चेक कर रहा था कोई नहीं तू ही है दिक्कत तू बताओ बोथ रूट्स लाइ ऑन द आइदर साइड ऑफ फिक्स नंबर डी अब क्या करते थे हम लोग मैं ये डिस्कस कर रहा था कि भाई यहाँ पर जो पैराबोला है जो हमारा पैराबोला होता है वो इस तरीके से बनेगा कि उसको एक बार डी के बाद कट करना है और एक बार डी के पहले कट करना है तो ये ऐसा हो सकता है पैराबोला मान लो डाउनवर्ड से तो ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर कंडीशन क्या आती है कि अगर ये ए लेस देन जीरो है ये पॉइंट देखो एफ ऑफ डी एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव कब जब ए नेगेटिव और यहाँ देखो विश्वजीत माइक बंद कर ले कौन लड़ाई कर रहा है भाई एफ ऑफ डी जो है देखो यहाँ पर एफ ऑफ डी जो है इस केस में एफ ऑफ डी इज नेगेटिव व्हेन ए इज पॉजिटिव तो यहां से हमने कंक्लूड किया था कि जो ए इंटू एफ डी होगा वो नेगेटिव और फिर हमने बोला कि भाई दिस इज द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड इस केस में बाकी वर्टेक्स कंडीशन तो एप्लीकेबल ही नहीं हम बता ही नहीं सकते वर्टेक्स कहां पर होगा इसके आगे या पीछे और डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन की जरूरत नहीं डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन की जरूरत क्यों नहीं है बिकॉज जो पैराबोला हेडिंग अपवर्ड है वो अगर कहीं पर नेगेटिव हो रहा है तो फिर जीरो तो हुआ ही होगा मतलब उसने एक्स एक्सिस को कट किया ही होगा और जो पैराबोला हेडिंग डाउनवर्ड है वो अगर पॉजिटिव हो रहा है किसी पॉइंट पर एफ डी पॉजिटिव है तो फिर वो भी जीरो हुआ ही होगा उसकी दूसरी नहीं तो इसलिए डी ग्रेटिंग जीरो की जरूरत नहीं पड़ती तो देखो ये कंडीशन है इफ ए इज पॉजिटिव एफ डी इज नेगेटिव इफ ए इज नेगेटिव देन एफ डी इज पॉजिटिव ये कंडीशन है और ये क्वेश्चन देखो Find the value of k for which one root of the equation is greater than 2 and another is less than 2. तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में? जो मैं पढ़ा वही करेंगे. A भी पॉजिटिव, A तो 1 दिया हुआ है इस क्वेश्चन. यानी simply f of 2 should be less than 0. वही हो ना 1 into f of 2 should be less than. बस solve करो इस equation. हाँ? क्लास कब तक है कहीं जाना है तुमको दूसरा भी क्लास दूसरी क्लास कब है कितने बजे 45 तक है सर आपका टाइम आप पढ़ाओ सर 6 बजे तक 6 बजे दूसरी क्लास 6 बजे है ना क्या है फिजिक्स है हाँ सर फिजिक्स है कैलकुलस सर k2 और माइनस 1 नहीं मतलब बिटवीन माइनस वन इंटू ऐसा बोल रही हो माइनस टू के प्लस के माइनस के हो गया और फोर माइनस टू टू माइनस एट माइनस सिक्स हो गया माइनस वन तो नहीं आ रहा आई थिंक हमारा आंसर आ रहा है सर माइनस टू होगा सर फोर सर फोर अच्छा फोर माइनस टू ना टू माइनस माइनस सिक्स सही है ना तो k बिलोंग्स टू आएगा माइनस टू से थ्री अलग ये लोकेशन रूट्स के इजी क्वेश्चंस हैं मेन के इजी क्वेश्चंस या फिर सीईटी टाइप के क्वेश्चंस हैं बट ठीक है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ दिक्कत आएगी देखेंगे ये भी वही क्वेश्चन हो गया इधर साइड फिर देखो टाइप थ्री इफ बोथ रूट्स लाई बिटवीन टू फिक्स्ड नंबर्स d
दो नंबर्स के बीच में तो क्या करते हैं अभी? अगर दोनों कंडीशन को मॉडिफाई करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट अपना पॉजिटिव या फिर ग्रेटर और जो वर्टेक्स होगा सर वो दोनों के बीच में होगा, मतलब दो मतलब ये तुम्हारे दो केसेस हमने मर्ज कर दिए ना, both roots are less than e and both roots are greater than e. intersection लेता है ना, first condition discriminant greater than equal to zero ना, second condition में क्या आएगा जो vertex है वो e से छोटा और d से बड़ा होना चाहिए, मतलब दो inequalities हैं ये, एक ये वाली inequality और एक ये वाली, दोनों का intersection. और जो value condition है वो क्या है? इतना याद करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा. और ये कब है? ये तब है जब बोथ रूट्स अल्फा बीटा आर स्ट्रिक्टली बिटवीन डी टू ई, D और E के बीच में. अब मान लो इसी क्वेश्चन में होता अल्फा बीटा बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट D2, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. अल्फा बीटा बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट D2 का मतलब हुआ अब अल्फा बीटा D और E भी हो सकते हैं, माइनस बी बाय टू इनइक्वालिटी आ सकती है. अच्छा और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये तो अभी अभी वही रहेगा डी इक्वल टू जीरो. दूसरे में क्या होगा, क्या कह रहे हो तुम? माइनस बी बाय टू ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू ई एंड ग्रेटर इक्वल टू डी, ये कह रहा ऐसा? हाँ सर. ओके, और थर्ड कंडीशन में उसमें भी इक्वालिटी आएगी, इक्वालिटी में ए इनटू एफ ऑफ डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो ए इनटू एफ ऑफ ई. आप तो कुछ अलग बताया था. पता नहीं, पूछ रहा हूँ तुम बताओ ये सब कुछ सही है कि नहीं. सर इक्वालिटी नहीं आएगा थर्ड कंडीशन, इस केस को डिस्कस नहीं किया था, दूसरा केस था, अभी अभी आते हैं उस पे. बट फिलहाल इसमें बताओ ये जो लिखा है अभी वो सही है या नहीं सही भाई? स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा केस हो सकता है जहां पे स्ट्रिक्टली अंडर, ऐसा केस हो सकता है जहां पर एक रूट खुद डी हो जाए दूसरे रूट डी और ई के बीच में हो जाए, ऐसा केस भी हो सकता है जहां पर दोनों ही डी और ई हो जाए, ऐसा केस भी हो सकता है जहां पर डी और ई के बीच में कर करे और एक रूट ई हो, ऐसा केस आ सकता है जहां पर ये टच कर रहा डी, ऐसा केस हो सकता है जहां पर ये टच कर रहा हो ई, और कोई केस हो सकता है क्या? नहीं. नाउ क्या ये सारे केसेस यहां पे कवर हो गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हो गए, हो गए. हाँ हो गए, हो गए, हो गए, हो गए. हो गए अगर अगर एक रूट है तो वो नहीं होगा ना कवर, वो तो डाल के चेक करना पड़ेगा. एक रूट है जैसे वो डी से क्रॉस कर रहा है लेकिन सी पे नहीं, तो तब तो रूट्स डाल के चेक करते हैं ना. नहीं नहीं यहाँ पे नहीं रहा, जब एग्जैक्टली वन रूट होता है तो चेक करना पड़ता है अलग से, उसमें एक्स्ट्रा केस नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा केस नहीं है, तुम चेक करो ना. जब तुम बोलते हो कि ए इंटू एफ टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, इंटरसेक्शन ए इंटू एफ ई ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि FD और FE भी, मतलब FD FE भी जीरो हो सकते हैं, मतलब D और E जो है वो दोनों रूट्स हो सकती हैं, बट नेगेटिव नहीं होगा. मतलब तुम्हारा पैराबोला किसी भी केस में ऐसा नहीं बन सकता. ऐसा क्या ये पैराबोला बन सकता है? नहीं, क्योंकि D इसमें नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये पैराबोला तो बनेगा ही नहीं. और हमने जो कंडीशंस लगाई हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई करनी है. वर्टेक्स पर हमने क्यों एक क्वालिटी डाली है? वर्टेक्स कब इक्वल हो सकता है? देखो ये लास्ट वाले केसेस, इन केसेस में वर्टेक्स डी और ई के इक्वल हो सकता है ना? तो जब तुम तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें बिल्कुल सही आंसर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है. अब तुम लोग जिसमें कंफ्यूज हो रहे थे वो स्टेटमेंट दूसरा था, वो ये स्टेटमेंट था, व्हेन एग्जैक्ट
exactly one root belongs to square bracket d to e. ये वो केस था जहां पर हमको हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, याद आ रहा कुछ? हाँ सर, इसमें था वो रूट्स डाल के चेक करने वाला। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है भाई कि अगर हमने बाकी लोग भी बाकी बैचेस में सुनो कि अगर तुमने मान लो मतलब क्वेश्चन आ गया एग्जैक्टली वन रूट डी और ई के बीच में, तो तुमने पढ़ा होगा कि पैराबोला कैसा भी हो अगर एक बार ही कट कर रहा है तो उसका साइन चेंज हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे एफ डी पॉजिटिव है एफ ई नेगेटिव, पैराबोला ऐसा बन सकता है इस तरह का। इसमें क्या होगा एफ डी नेगेटिव है और एफ ई पॉजिटिव, तो हम लिखते हैं एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई शुड बी लेस देन जीरो, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई शुड बी लेस देन जीरो। बट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं मतलब डी और ई खुद रूट्स हो सकती हैं, इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वलिटी लगा दी जाए। तो पूरी डिबेट इस बात की हो रही थी क्या हम इक्वलिटी लगा सकते हैं, क्या ऐसा करने से हमारा आंसर सही आएगा? नहीं, इक्वलिटी मत लगाओ, आंसर को इसी से निकालो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आंसर सही आ गया, आंसर में थोड़ा पार्ट मिसिंग है बट कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, कुछ गलत नहीं है इसमें, अभी कुछ आंसर मिसिंग हो सकता है लेकिन ये करना ज्यादा अच्छा है। अगर तुमने इक्वलिटी लगा दी तो इमेजिन करो एक पैराबोला ऐसा बना हुआ है इस तरीके से कि वो डी को कट करता है इधर, ये पैराबोला भी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एफ ऑफ डी जीरो है, यहाँ पे हमने इक्वलिटी लगा दी है ना, लेकिन ये पैराबोला जो है ये पैराबोला आना चाहिए, सॉरी ये पैराबोला आना चाहिए, एक मिनट, ये पैराबोला नहीं, ऐसा पैराबोला, ये वाला, ये पैराबोला नहीं आना चाहिए ना, देखो ना ये वाला पैराबोला नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली एक रूट नहीं आ रही है, यहाँ पे देखो डी पर कट कर रहा है तो डी खुद एक रूट हो गया और एक रूट डी और ई के बीच में आ गई, तो इसमें दो रूट डी और ई के बीच में आ गई, बट इस कंडीशन को यह सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने कहा था कि यहाँ पर इक्वलिटी मत लगाओ, इस इक्वलिटी को यहाँ से हटा दो, और क्या करना है उसके बाद? चेक इफ अल्फा इक्वल्स टू बी, अगर एक रूट डी हो गई, चेक व्हाट? चेक अदर रूट इफ अल्फा इक्वल्स टू डी एंड इफ अल्फा इक्वल्स टू ई। मैं वही बता रहा हूँ, ब्रीफ तो कर रहा हूँ, ब्रीफ का ब्रीफ कर रहा हूँ। डी और ई के बीच में है, स्क्वायर ब्रैकेट डी और ई के बीच में है अगर एक रूट, तो तुमने ये पढ़ा होगा क्लास में कि ये सॉल्व करो एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ, लेकिन ये तब सही होता है जब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट होता है। अगर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट होता तो ये आंसर खत्म हो गया, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन जीरो। लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट आता है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो यहाँ पर एक केस टू समझ लो, इसको अलग से चेक करना पड़ेगा। जैसे चलो सीधे एग्जांपल चलते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, ठीक है, और सिंपल आ गया कि एग्जैक्टली वन रूट इन जीरो टू वन, जीरो से वन के बीच में एक ही रूट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन लेस देन जीरो, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये देखा हमने एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ, एफ ऑफ जीरो क्या होगा भाई के, और एफ ऑफ वन क्या होगा, वन डाल लो वन माइनस के लेस देन जीरो, सही है। इसको सॉल्व करोगे वन माइनस के, माइनस कॉमन निकालोगे, ऐसा बनेगा k इंटू के माइनस वन ग्रेटर जीरो, आंसर आएगा k बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से जीरो यूनियन वन टू इनफिनिटी। लेकिन अब ये फाइनल आंसर नहीं है, यहां पर अब एक केस टू बनाओ और चेक करो, क्या हमारा केस टू? इफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, एक रूट अगर खुद जीरो हो गई तो क्या होगा? रख के देखो,
x को यहाँ पे रखो जीरो, क्या आती है k की वैल्यू, k इक्वल टू जीरो आ जाता है। इस k इक्वल टू जीरो को इस इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, रूट्स क्या है इसकी जीरो जीरो। इज इट एक्सेप्टेबल, क्या ये एक्सेप्टेबल है क्वेश्चन के हिसाब से? नहीं, क्योंकि बोला गया है कि एग्जैक्टली वन रूट जीरो और वन के बीच में होनी चाहिए। अगर दोनों रूट्स जीरो जीरो हो गई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, जीरो और वन के बीच में एक ही रूट होनी चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जीरो एक्सेप्टेबल है, बट जीरो दो बार नहीं आ सकता, एक ही बार आना चाहिए। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल जीरो नहीं होगा, के इक्वल जीरो नहीं होगा, ये जो राउंड ब्रैकेट है वो ऐसे रहेगा। हम वन भी चेक करेंगे, वन भी चेक करेंगे, इफ अल्फा इक्वल टू वन, अल्फा इक्वल टू वन रखोगे तो के इक्वल्स टू वन आ जाएगा। अब ये के इक्वल टू वन डालो यहाँ पर, के इक्वल्स टू वन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। रूट्स क्या है वन वन, इसकी दोनों ही रूट्स वन है। इज इट एक्सेप्टेबल? नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली एक रूट होनी चाहिए जीरो वन के बीच में, दोनों वन वन हो गए, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, के वन भी। इसका मतलब तुम्हारा आंसर यही सही है। अब सर, अगर तुम अगर अल्फा वन का होता तो सर हम क्या होता सर? अगर तुम्हारा अल्फा वन आता और उसके बाद बीटा मान लो टू आता तो फिर ये एक्सेप्टेबल हो जाता, क्योंकि एक रूट जीरो और वन के बीच में है और दूसरी नहीं, तब वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होती, तब यहाँ पे तुम स्क्वायर ब्रैकेट लगाए थे, यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है उसकी जगह पे स्क्वायर। अल्फा अगर वन होगा तो के वन को, अल्फा अगर वन है तो अल्फा मतलब रूट ही तो है एक्स की वैल्यू, एक्स को यहाँ पर वन डाल दो। सर मैंने मिस्टेक किया, वन माइनस टू के प्लस के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू वन आ जाएगा। हाँ सर मैंने मिस्टेक किया। तो मतलब सर अगर अल्फा जैसे अगर सेटिस्फाई हो गया डाल के, तो हम लोग को फिर दूसरे रूट पे हंट करना पड़ेगा? दूसरे रूट को ही तो हंट कर रहे हैं, फर्स्ट रूट से मतलब थोड़ी ना है, फर्स्ट रूट तो मान ही रहे हैं कि रूट है वन, हमें बेसिकली सेकेंड रूट निकालनी है, सेकेंड रूट चाहिए ना हर बार, सेकेंड रूट, ये सेकेंड रूट बताएगी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक ही तो करना है, वेरीफाई करना है। अब सोचो तुमने यहाँ पर इक्वलिटी लगा दी होती, तुमने गलती से थियोरी पढ़ ली कि यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है, तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाता ना, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आया था और तुम्हारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि इस केस में अवॉइड करो, इक्वलिटी मत लगाओ, इस केस में केस टू बना के चेक करो, इतना सही काम है यार, क्वेश्चंस करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यही था, इसके बाद जो बचता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, संडे को मोस्ट प्रोबब्ली। अच्छा सर, आप रेंज का सर वो एक तरह का क्वेश्चन बता सकते हो जिसमें डिनोमिनेटर में जैसे के दे देता है, कोई वेरिएबल दे देता है, तो उसमें कुछ था कि हमें अब वो क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव लेके, जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब पे नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको। ठीक है, अभी के लिए जो असाइनमेंट दिया है रेमेडियल है हम लोग का, हाँ है ना, संडे को भी है, संडे को भी जो हाँ ट्रिगो बचा हुआ है वो भी होगा और जो क्वार्टिंग बचा हुआ वो भी होगा, दोनों तो वो टाइम टेबल पे इंक्लूडेड नहीं था? नहीं है, टाइम टेबल पे अभी अपडेट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो क्लास है दूसरी, हमारी क्लास है, मेरी क्लास में मिल रहा है।